नमस्कार। डेट है आज की 18 अप्रैल 2021 और आज कंडक्ट किया गया था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर और ये हाई कोर्ट का पेपर था। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का ये पेपर कंडक्ट किया गया था, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 18 अप्रैल को पेपर कंडक्ट किया गया था। यहाँ पर देखिए, वेयर इज़ द समर ओलंपिक्स वी हेल्ड इन 2020-2021, 2020-2021 में समर ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? तो ये ऑप्शन बी टोक्यो जापान जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सुमो रेसलिंग इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री? तो सुमो रेसलिंग कौन सी कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है? ये जापान का है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज कीवी? कीवी किस कंट्री को कहा जाता है? तो कीवी के नाम से न्यूजीलैंड को जाना जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पूछी गई है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुर्रे एंड डार्लिंग रिवर्स फॉल इन विच कंट्री? तो ये मुर्रे और डार्लिंग रिवर ऑस्ट्रेलिया में फॉल होती हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, माउंट प्लैंक माउंटेन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये यूरोप में है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सिटी ऑफ पॉप पीस? तो ये वेटिकन सिटी है, ऑप्शन सी वेटिकन सिटी है पॉप। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द फेमस ड्रग पैडलर ई एल चैपो इज फ्रॉम विच कंट्री या फिर नेशनलिटी? तो ये ऑप्शन सी मैक्सिको जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है रिवर अमेजॉन फॉल्स इन विच कंट्री? तो रिवर अमेजॉन ब्राज़ील में बहती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है नेशनलिटी ऑफ डेगो मैराडोना? तो डेगो मैराडोना का जो नेशनलिटी है वो है ऑप्शन ए अर्जेंटीना। और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है प्रेजेंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है वो है सत्या नडेला, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज़ द ऑनर ऑफ फेसबुक? तो फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन बी ये तो आपको पता ही है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑनर ऑफ ट्विटर, ट्विटर के ऑनर कौन है? तो ये जैक डॉर्से, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज लोकेटेड एट? तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये ब्रसेल्स में है, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दी डेली टेलीग्राफ इज पब्लिश्ड फ्रॉम विच कंट्री? तो डेली टेलीग्राफ पब्लिश्ड होता है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है बद्रीनाथ इज लोकेटेड? बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, ऑप्शन ए सही आंसर है। उसी तरह रामेश्वरम इज लोकेटेड? तो रामेश्वरम कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है वेयर इज़ द टेम्पल ऑफ लॉर्ड पद्मनाभ लोकेटेड? तो पद्मनाभ भगवान का मंदिर कहाँ पर है? ये है ऑप्शन सी केरला में स्थित, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है लॉर्ड सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नेम द टू हाउसेज ऑफ यूनियन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो टू हाउसेज कौन कौन से होते हैं? लोकसभा एक राज्यसभा, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर इज द मनी बिल इंट्रोड्यूस? तो ये जो मनी बिल है ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है? ये मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इन विच स्टेट गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड? तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये गुजरात में है, ऑप्शन बी। नेम द सेंचुरी इन आसाम मीन्ट फॉर राइनोकोर्स? तो ऐसी कौन सी है जो राइनोकोर्स के लिए है? ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन विच स्टेट सुंदरबन डेल्टा इज सिचुएटेड? तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 25 है, इन विच सिटी माँ कामाख्या टेम्पल लोकेटेड? तो माँ कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी में स्थित है, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मंसूर अहमद बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे? ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, ऑप्शन ए सही आंसर है। 27 है, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट वॉज एलिवेटेड टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो ये जस्टिस आर एस पाठक, ऑप्शन बी सही आंसर है। एनिमल ऑफ इंडिया, तो नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है टाइगर, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 29, यहाँ पर पूछा गया है द नेशनल एम्बलम इज डिजाइंड एडॉप्टेड फ्रॉम विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट? तो ये अशोका पिलर, ऑप्शन सी अशोक पिलर सही आंसर होगा। लॉर्ड ब्रह्मा जी का टेंपल कहाँ पर है? तो मैंने ये क्वेश्चन गिरिराज में भी डिस्कस हो चुका है वैसे तो, ऑप्शन ए पुष्कर में ये स्थित है। हिमाचल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? हिमाचल के क्वेश्चन जो आसान थे वो सभी के लिए आसान थे और कुछ क्वेश्चन टफ थे वो सभी के लिए टफ ही थे, ऑप्शन डी 12 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है। प्रेजेंट सी चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश जस्टिस एल नारायणा स्वामी, ऑप्शन सी सही आंसर है।
नेम ऑफ रिवर सतलुज, सतुद्रु, ऑप्शन ए सही आंसर है। 34 चंद्रा और भागा कहाँ पर मिलती हैं, तो ये तांडी में मिलती हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। 35 है, वेयर इज त्रिलोकीनाथ टेम्पल लोकेटेड, तो त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये मंदिर उदयपुर में स्थित है। अभी कुछ दिन पहले एक पेपर हुआ था उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था। 36 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रावी रिवर फ्लोज, तो रावी रिवर कहाँ पर बहती है, ये चंबा में बहती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। कुल्लू इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो ये ब्यास नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। महिमा लाइब्रेरी नाहन में है, 38 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 39 का, सवान रिवर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो सवान नदी कहाँ पर है, सवान नदी देखो ये नदी ऊना में बहती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। गोविंद सागर लेक कहाँ पर है, बिलासपुर में है, ऑप्शन डी सही आंसर है। स्टेट बर्ड हिमाचल प्रदेश का पूछा गया है, तो स्टेट बर्ड कौन सा है, जुजुराना, ऑप्शन ए सही आंसर है। स्टेट एनिमल पूछा गया है, तो स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड, ऑप्शन बी स्नो लेपर्ड सही आंसर है। 43 है, इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो इंटरनेशनल शिवरात्रि मेला कहाँ पर लगता है, देखो तो इंटरनेशनल शिवरात्रि मेला मंडी में लगता है, ऑप्शन ए। ये जो रथ यात्रा है लॉर्ड रघुनाथ जी की, ये कहाँ पर होती है, ये ऑप्शन ए कुल्लू में है, ऑप्शन ए। अगर विधानसभा की लेजिस्लेटिव सीट्स पूछी गई हैं, तो विधानसभा की सीट्स कितनी हैं, 68, ऑप्शन सी सही आंसर है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश डॉक्टर YS परमार, ऑप्शन ए। फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश S चक्रवर्ती, ऑप्शन बी सही आंसर है। मेजर जस्टिस मिस्टर जस्टिस मेहरचंद महाजन कहाँ से बिलोंग करते थे, कांगड़ा से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। माँ चिंतपूर्णी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सब डिवीज़न, तो माँ चिंतपूर्णी का मंदिर ऑप्शन बी अंब सब डिवीज़न में पड़ता है। और इससे अगला जो 50 नंबर का क्वेश्चन था वो था कि ज्वालाजी का जो मंदिर है वो कौन से सब डिवीज़न में पड़ता था। देखो ज्वालाजी एक खुद सब डिवीज़न है जो कि ऑप्शन में वहाँ पर नहीं दिया गया था। तो ज्वालाजी टेम्पल ज्वालाजी सब डिवीज़न में पड़ता है, वैसे पहले देहरा सब डिवीज़न में पड़ता है, परंतु ज्वालाजी भी एक सब डिवीज़न अब बन चुका है, वो शायद उस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया जाए या फिर देखेंगे कि क्या होता है उस क्वेश्चन में जब आंसर की आती है। तो ये थे जीके के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वेरी पेशेंसली।